एंड डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड डू लाइक. अगर डू मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मरहबा, सत श्री अकाल एंड कॉफी टू ऑल. और आज संडे का दिन है और पता नहीं कोई एक बात नहीं समझ में आती, संडे वाले दिन सुबह इतनी जल्दी आँख क्यों खुल जाती है. आप प्लान करो कि आप सोओगे 9, 10, 11 बजे तक, बट हमेशा हमेशा संडे के दिन 6, 6:30, 7 बजे आँख खुली जाती है. इतनी ठंडी हवा चल रही है, मैंने सुबह सुबह पंखा भी बंद कर दिया था क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, काफ़ी ठंडा हो रहा है मौसम में. और देखते हैं बिल्ली और बिल्ली की मम्मी अभी तक उठी या नहीं उठी हैं. उन लोगों की भी आँख, हम लोग कल रात में 2 या 2:30 बजे सोए थे, मुझे ये लग रहा है उन लोगों की भी आँख जल्दी ही खुल गई होगी. सो लेट्स सी. बिल्ली, गुड मॉर्निंग बिल्ली, बिल्ली बिल्ली उठ जा बिल्ली, गुड मॉर्निंग. अच्छा इसमें तो बोलते गुड मॉर्निंग, वीडियो में तो बोलते गुड मॉर्निंग बिल्ली. बहुत तेज नींद में सो रही है ये बिल्ली. गुड मॉर्निंग, उठ गया शो के? ओके. मम्मी कहाँ है? बालकनी में. और ये बालकनी के मजे लिए जा रहे हैं. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. और आज गई नहीं, वॉक पे नहीं गई तुम? नहीं, थकान हो रही थी. थकान हो रही है? योगा करने भी नहीं जा रही हो आजकल? योगा की छुट्टी रहती है. अच्छा, आज योगा की छुट्टी रहती है. वैसे तुमने वैसे भी बहुत सारी छुट्टियां कर रखी हैं योगा की, वैसे भी बहुत सारी छुट्टियां कर रखी हैं योगा की. होती नहीं है ना मेहनत. अच्छा हाँ मिशु, और एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है हमारे गार्डन में. पता नहीं कहाँ से ये कबूतर अंदर आ गया है, कौन सी जगह से. इसको बाहर कैसे निकाला जाए? काफी डर लग रहा है मेरे को क्योंकि ओ, ओ, ओ. आते क्यों भाई, आते क्यों? उसके साथ वाला बाहर परेशान है. हस्बैंड वाइफ होंगे ना. कहाँ गया ये? इधर कोने में. ये बेडशीट हटा दो ना पहले. देखो कितना परेशान है उसके साथ वाला. इसको मैं खोल तो दिया ये जाल, पर ये इसमें से निकल पाएगा? निकल जाएगा ऊपर से. एक और वो खोलना पड़ेगा. तो मिशो आप दूर जाओ बेटा, कबूतर है यहाँ पे. जा कबूतर जा, जा जा कबूतर जा, जा जा कबूतर जा, जा जा कबूतर जा, जा जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी. उसको पिश पिश करो ना. पिश 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 पिश. अबे खोल तो दिया, निकल जा भैया मेरे, फिर मैं बंद कर दूं इसको. कैसे कोने में बैठ जाएगा? फिश ऐसे करो.
आए आए करो 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 कुछ तो करो। और खोलूं क्या इसको? मम्मी ऐसे करो। पंख ना टूट जाए। निकल जा बेटा, निकल जा, निकल जा। आने की क्या जल्दी से आते क्यों बेटा, आते क्यों? जब ओहो आप पकड़ लोगे, रहने दो या चोच वोच मार देना। नहीं चोच नहीं मारता बेटा, कर कसके पकड़ो कसके। एक मिनट चलो कबूतर बन, अब फिर से मत आना इधर कभी भी। इसको आजाद कर दो। चला गया वो, उड़ गया। देखिए प्रॉपर सैनिटाइजेशन करते हुए। भैया आपका नाम क्या है? पवन कुमार। पवन कुमार जी कहाँ के रहने वाले? पवन कुमार जी मोटा के है? मोटा। अच्छा यही है, पड़ोस के ही है। कैसा रहा लॉकडाउन में? काफी प्रॉब्लम रही होगी? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग बाल कटवा रहे थे लॉकडाउन में भी? हाँ। हमको देखे ना, हम तो युधिष्ठिर जैसे बाल हो रहे महाभारत टाइम के। पूरी प्रिकॉशन से काम हो रहा है। अच्छा देखिए प्रॉपरली हर चीज को सैनिटाइज कर रहे हैं पवन जी। पवन जी ना जी, अब मास्क भी पवन भाई ने नया चेंज किया है, हैंड ग्लव्स भी चेंज कर रहे हैं। सो फाइनली राजा बाबू बनने का समय आ गया है और पवन भैया ने पूरा सेटअप रेडी कर लिया है। ध्यान से देखिए इस आदमी को, इसके एक तरफ के बाल बिल्कुल उड़े हुए हैं और एक तरफ के बाल बहुत बड़े हुए हैं। क्या ये बात दोनों एक बराबर होंगे? होंगे, जल्दी ही होंगे। अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताइए, दाढ़ी के बाल दो चार सफेद हो गए हैं, सिर के बाल एक भी सफेद नहीं हुए हैं, तो बुढ़ापा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी नहीं आ रहा बुढ़ापा। तो जिन लोगों को लगता है मेरी उम्र ज्यादा है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मेरे ऊपर बुढ़ापा नहीं आ रहा, सिर्फ दो बाल सफेद हुए दाढ़ी के। और मैं बचपन से चाहता था मेरे दाढ़ी के बाल जो है थोड़े से सफेद हो, दो चार सफेद हो, ताकि लगे मैं थोड़ा सा यू नो बुजुर्ग, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आता है। सिंपल आओ एक बार बाल देख लो मेरे, बिकॉज क्या होता है जब शॉप पे हेयर कट करा के आता हूँ ना, जैसे ही वापस आता हूँ तुरंत ही फीडबैक शुरू हो जाता है, ये ऐसे नहीं कटे, ये वैसे नहीं कटे, ये ऐसे कराना चाहिए था, वैसा कराना चाहिए था। तो अब देख लो बता दो कैसा कराना है कैसे नहीं कराना है, ठीक कट रहे नहीं कट रहे तुम्हारे हिसाब से? ठीक कटे हुए हैं। ये ऐसे ही रहने वाले हैं भैया? मतलब कटिंग नहीं होगी ना, ये फाइनल है। आप लोग देख रहे हैं मैं कितना पत्नी व्रता पति हूँ। झूठ झूठ। बाल भी बस पत्नी की मर्जी से ही कटवाता हूँ। ऐसा पति ना, दिस इज ओनली फॉर कैमरा, ऐसा पति ना तूफान में मोमबत्ती लेते हुए ढूंढोगे ना तब भी नहीं मिलेगा। सो फाइनली अब हम महाभारत काल से कलयुग में आ चुके हैं और ये देखिए कितना हल्का हल्का सा फील हो रहा है, राजा बाबू बन गए अब हम, है ना। सो आज हमने संडे का बड़ा बेहतर यूटिलाइजेशन किया, वो जो दिख रहे थे ना आपको इधर इधर किनारे किनारे से बहुत सारे बाल, वो सारे हट गए हैं। और ये जो ब्लॉग है वो बेसिकली मैं सैटरडे और संडे मिला के बना रहा हूँ, क्योंकि कल जो कि सैटरडे निकल गया। सो हम लोग बेसिकली मैं अपनी टीम के कुछ मेंबर्स को लंच पे लेके गया था। एक्सक्यूज़ मी हाँ टुडे सैटरडे और हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले हैं जो हमारा लंच टाइमिंग होता है उसमें, और मेरे साथ मेरे कुछ कलीग्स भी है। हेलो हेलो सर। तो इन तीनों को आप ध्यान से देखिए, इन लोगों ने आज मुझे लूटने का प्लान बनाया है बेसिकली। सो ये दे वॉन्ट टू टेक मी आउट ऑन लंच बिकॉज
एक हमारा कुछ सेटलमेंट हुआ था उसके एवज में दे हैव आस्क्ड मी कि लंच के लिए चलना है, सो आई सेड ओके. सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सीपी. और वेयर आर वी गोइंग इन सीपी? एक्सक्यूज मी बॉस. ओ सो बॉस को लेके जा रहे हैं और एक्सक्यूज मी बॉस में जा रहे हैं. वंडरफुल क्रेजी गाय. एक बात याद रखना, जितना खर्चा बढ़ाओगे ना उतना ज्यादा करना पड़ेगा. मैं कुछ भी खा लूंगा, बस जो बिल है ना वो कम आना चाहिए. सही बात सर, हम लोग तो वही कोशिश कर रहे हैं. दिख रही है मुझे तुम्हारी कोशिश कितनी है. मेरे ख्याल से कोविड के बाद में हम पहली बार कहीं बाहर लंच करने निकले. एटमॉस्फेयर इज सो ऑसम एंड वी हैड जस्ट अ स्नैक एंड देन वी लेफ्ट लंच. वी हैव टू लीव अर्ली. तो अब हम लंच करके लौट रहे हैं. और गाइस कैसा रहा? ऑसम. सो एवरीबॉडी इज हैप्पी, खुश होंगे ही होंगे क्योंकि बिल तो मैंने दिया है ना. सो बेसिकली जो लंच था हमारा, व्हाट वाज द टैगलाइन? लंच विद बॉस. लंच विद बॉस एट एक्सक्यूज मी बॉस. एट एक्सक्यूज मी बॉस. सो लंच विद बॉस एट एक्सक्यूज मी बॉस. वंडरफुल. सो बॉस से बिल भी भरवा लिया और वो बोल रहे एक्सक्यूज मी बॉस. ओके गाइस, बिल्ली का भी हेयर कट हो चुका है. बिल्ली और पापा दोनों का हेयर कट हो चुका है.
और बिल्ली कैसा लगा हेयर कट करा के? अच्छा लगा। सो गाइज, वी आर एंडिंग आवर ब्लॉग हेयर इटसेल्फ, एंड डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर आवर यूट्यूब चैनल विच इज फाइटर सिंह। ओके गाइज, बाय।